ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इस सेशन में हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 222 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 236 तक कवर करेंगे भाई, और इसी के साथ आपका ये सेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अभी काफ़ी लेट नाइट हो गया भाई, तो थोड़ा सा धीरे धीरे यहाँ पे मैं बोल पाऊँगा। ओके, ऑलरेडी 1 बज रहा। अभी सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे भाई। आपका वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है, आपको एम्पलीट्यूड बताना है और फ्रिक्वेंसी बताना है। अब ऑप्शन के हिसाब से देखिए, एम्पलीट्यूड में एवरेज वैल्यू पूछा गया आपसे, है ना। तो हम लोग ऑलरेडी पता भाई कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो एवरेज वोल्टेज होता है क्या है आपका, 2 Vm/π। तो वोल्टेज का हम लोग को ऑलरेडी पता है इक्वेशन, वहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, है ना, यानी 400/π। सो सॉल्व कर लेंगे तो भाई यहाँ से आपका वी एवरेज आ जाएगा, और इसको अगर हम लोग करते हैं 3.14, यानी अप्रॉक्स आप इसको 3 मान के चलिए, कितना हो जाएगा, 3 1 3, ठीक है, और 3 3 9, यानी इसका भाई A4 Apple होगा। ऐसे फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी भी पूछा है ना। तो ओमेगा इक्वल टू 2π f होता है भाई, तो ओमेगा का वैल्यू हम लोग को पता है यहाँ पे 100 t है, तो ओमेगा की जगह 100 और 2π इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये आ जाएगा f, तो ये हो जाएगा 50/π, और 50/π और 3.14, तो 3 अगर मान लेते इसका अप्रॉक्स, तो 3 1 3, यानी 1 समथिंग आएगा, यानी ये हो जाएगा B4 ball भाई, ठीक है ना। तो पूरा पूरा कैलकुलेशन नहीं करना भाई, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कैसे हम लोग अपना टाइम बचा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भाई हम लोग के पास एक कॉइल है, और इस कॉइल के चलते हम लोग का इंडक्टेंस आ रहा है एल हेनरी का, और ये आर ओम के रेजिस्टर के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। ओके, इस तरीके से पैरेलली कनेक्टेड है। अब सीधी सी बात है भाई, पैरेलल ब्रांच है, तो यहाँ पे 2 करंट आएंगे, एक इसके अंदर एक इसके अंदर। तो आपसे पूछा है टोटल सम क्या होगा, टोटल सम क्या होगा, तो भाई हम लोग को पता है ये हम लोग का एक एसी सर्किट बन गया ना, तो यहाँ पे हम लोग का हमेशा फेजर सम होता है। तो फेजर सम क्या हो जाएगा, I² + IL² है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इम्पिडेंस दिया हो भाई, आपको एडमिटेंस बताना है। तो हम लोग को पता है कि भाई जो एडमिटेंस होता है ये रेसिप्रोकल होता है इम्पिडेंस का, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 1/3 + J4, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर में हो जाएगा आपका 3 - J4/9 + 16, यानी कितना हो जाएगा आपका 25, और उसको सेपरेट करके लिख लेते हैं 3/25 - J4/25। तो रियल पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, है ना, 25, तो भाई एक बार पॉइंट देंगे 0 आएगा, अभी भी 1 टाइम में चला जाएगा, 5 हो गया। ओके, तो 1 0 डालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, यानी 0.12, तो इसका वैल्यू आ गया आपका 0.12। अब माइनस है, माइनस दे देंगे, जे है जे दे देंगे, इसको सॉल्व करते हैं, 25 से पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा, 1 टाइम में जाएगा भाई, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, कटेगा नहीं, 1 0 डालते हैं, तो पॉइंट समथिंग आएगा नहीं, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है ना, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो बचा क्या सिर्फ ये, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में से बस ये प्लस माइनस का अंतर है भाई, है ना, तो माइनस आ ही रहा है ऊपर से ही, तो माइनस ही रहेगा आपका। आगे बढ़ते हम लोग, और वैसे भी आप याद कर लीजिए भाई कि जैसे ये जो इम्पिडेंस दिया हुआ है ये RL नेटवर्क है भाई, क्योंकि R+jXL है, यहाँ पे इम्पिडेंस में जो पॉजिटिव होता है XL के लिए लिया जाता है। अगर आप एडमिटेंस जाएंगे तो एडमिटेंस क्या होता है आपका, जो एडमिटेंस है भाई यहाँ पे R को हम लोग G लिखते हैं, यानी कंडक्टेंस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे B यानी ससेप्टेंस होता है। आप देखिए, अगर आपके पास कोई RL नेटवर्क है तो RL नेटवर्क भाई जो आपका ससेप्टेंस होता है हमेशा नेगेटिव होता है, जे लगा दीजिए, क्लियर हुआ। और वही कोई RC सर्किट है तो यहाँ पे आपका कैपेसिटिव ससेप्टेंस पॉजिटिव हो जाता है, जस्ट उल्टा होता है, इम्पिडेंस में आपका XL पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपका XL नेगेटिव हो जाता है भाई। ओके, आगे बढ़ते हम लोग, प्लस माइनस में कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ पैरेलल RLC सर्किट, तो भाई अब देखते हैं, हाँ यही चीज़ मैं अभी जो बता रहा था ना भाई, वही है आपका कैपेसिटिव ससेप्टेंस विल बी नेगेटिव, नहीं भाई कैपेसिटिव ससेप्टेंस पॉजिटिव होता है, इंडक्टिव ससेप्टेंस विल बी नेगेटिव वैल्यू, बिल्कुल सही बात है, यही सही है आपका,
है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई कि आपके पास इस तरीके का आरएलसी सर्किट है और पैरेलल में ही हम लोग एडमिटेंस मेथड यूज़ करते हैं भाई, क्लियर हुआ ना, क्योंकि एडमिटेंस हम लोग का सीधे से ऐड हो जाता है। तो ये आर है, एल है, सी है ना, यानी इसको हम लोग कर लेते हैं एक्सएल और इसको करते हैं एक्सी, क्या हो जाएगा एडमिटेंस यहाँ पे अगर देखें टोटल एडमिटेंस क्या हो जाएगा भाई, वन बाय आर प्लस इसका हम लोग ऐसे लिखते हैं ना एक्सएल इक्वल टू क्या होता है जे ओमेगा एल, तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई वन बाय जे ओमेगा एल प्लस एक्सी क्या है आपका, एक्सी होता है वन बाय जे ओमेगा सी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा जे ओमेगा सी बटा वन, क्लियर हुआ। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें ऐसे आर प्लस, इसको पहले मैं लेके आ रहा हूँ जे ओमेगा सी प्लस वन बाय जे ओमेगा एल, भाई मैं क्या कर रहा हूँ ये जो जे है ना इस जे को ऊपर लेके जाता हूँ, पहले ऊपर लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस जे और ये हो जाएगा आपका नीचे में ओमेगा एल, तो वन बाय आर ऐसे रहने दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग प्लस जे कॉमन ले ले रहे हैं भाई दोनों में से, यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा सी माइनस वन बाय ओमेगा एल, क्लियर हुआ। तो अब देखिए ना यहाँ पे कि भाई जो एक्सएल था ये था मेरा सिर्फ मैग्नीट्यूड पे आते हैं ओमेगा एल, तो इसका उल्टा ले लेंगे रेसिप्रोकल लेंगे तो इसको इंडक्टिव ससेप्टेंस बोलते हैं, ये होता है आपका वन बाय ओमेगा एल, रेसिप्रोकल ले लिया हम लोगों ने। उसी तरीके से भाई हम लोग का एक्स ही होता है वन बाय ओमेगा सी, इसका अगर आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका कैपेसिटिव ससेप्टेंस, ये हो जाएगा आपका ओमेगा सी। यहाँ पे देखिए ओमेगा सी मतलब क्या, ये क्या है मेरा, ये है मेरा भाई कैपेसिटिव ससेप्टेंस, वन बाय ओमेगा एल क्या हो जाएगा माइनस माइनस दे देना, ये हो जाएगा आपका इंडक्टिव ससेप्टेंस, और यहाँ पे जो जे है वैसे के वैसे रहेगा और वन बाय आर को हम लोग जी लिखते हैं, क्लियर हुआ। और ये हो जाएगा मेरा टोटल एडमिटेंस। तो हमेशा याद रखना है कैपेसिटिव ससेप्टेंस पॉजिटिव होता है, इंडक्टिव ससेप्टेंस नेगेटिव हो जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अ साइन वेव। तो भाई पहला ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी का डेफिनेशन दिया हुआ, टाइम पीरियड इज द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन वन सेकेंड, नहीं भाई ये तो आपका फ्रिक्वेंसी का डेफिनेशन होता है, टाइम पीरियड का होता है एक साइकिल बनने में जो भी समय लगे वो, बाकी सब सही है। फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। पीक वोल्टेज इज अनदर नेम ऑफ एम्पलीट्यूड, ये भी सही बात है भाई, आरएमएस वैल्यू इतने टाइम्स होता है, ये भी सही बात है। आगे बढ़ते हैं, द एडमिटेंस ऑफ अ सर्किट इतना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस। तो एडमिटेंस दिया भाई, इम्पिडेंस निकालना तो हम लोगों को पता है भाई इम्पिडेंस चाहिए तो एडमिटेंस का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी जेड इक्वल टू हो जाएगा वन बाय वाई और इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए 0.03 माइनस जे 0.04 है ना, तो उसको रेशनलाइज कर लेते सबसे पहले 0.03 प्लस जे 0.04 डिवाइडेड बाय 0.03 प्लस जे 0.04 ऊपर में हो जाएगा आपका जे 0.3 प्लस जे 0.04 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर, सॉल्व करते हैं इसको है ना, फिर इसको रहने देते एक स्टेप और ले लेते हैं 0.03 प्लस जे 0.04 इसका स्क्वायर करने 9 हो जाएगा और दो दो चार चार डिजिट के बाद पॉइंट आएगा यानी 0.009 प्लस इसका करेंगे 16 हो जाएगा और चार यानी 0.0016 क्लियर हुआ। 16 और 9 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और चार डिजिट का यानी 0.025 और ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 0.03 प्लस जे 0.04 अब रियल पार्ट को एक साथ इमेजिनरी पार्ट को एक साथ 0.03 डिवाइडेड बाय 0.0025 प्लस जे 0.04 डिवाइडेड बाय 0.025 अब बस इसको सॉल्व करना भाई। तो देखिए हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं, रियल पार्ट को एक साथ करते हैं पहले 0.0025 100 यहाँ से आ जाएगा नीचे और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10,000 दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद 25 चौके 100 हो जाएगा भाई तो कितना हो जाएगा 12 यानी इसका वैल्यू आ गया 12 प्लस जे इसका वैल्यू निकालते हैं कितना है आपका 0.04 डिवाइडेड बाय
0.0025। तो पहले यहाँ से 100 नीचे ले आते हैं और यहाँ से जाएगा तो 4 जीरो ऊपर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 4 16, यानी कि हो जाएगा भाई जे 16। तो इसका हो जाएगा आंसर 12 प्लस जे 16 है C4 कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सर्किट और इनका इम्पीडेंस दिया हो भाई, Z1 Z2 दिया हुआ, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इज द टोटल करंट इतना, व्हाट इज द टोटल एडमिटेंस ऑफ द सर्किट। तो क्योंकि भाई पैरेलल ब्रांच है ना, दोनों पैरेलल ब्रांच में लगे हुए हैं और ये जेड दिया हुआ है, ये भी आरएल है, ये आरसी, एक आरएल नेटवर्क है और एक आपका आरसी नेटवर्क है भाई। तो इस तरीके से लगे हुए हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया इम्पीडेंस का जेड वन जेड टू। तो भाई हम लोग का यहाँ पे टोटल, व्हाट इज द टोटल एडमिटेंस, तो टोटल एडमिटेंस पहले इस ब्रांच का एडमिटेंस बताइए क्या हो जाएगा, 1 बाय, क्योंकि इसका वैल्यू दिया ना यहाँ पे, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1 बाय 4 प्लस जे 3 हो जाएगा प्लस, क्योंकि एडमिटेंस सीधे ऐड हो जाता है, इसका कितना हो जाएगा 1 बाय 8 माइनस जे 6 है ना, ये मेरा हो जाएगा टोटल एडमिटेंस। अब एक सेकेंड के लिए भाई ये पेज मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 प्लस जे 3 इंटू 8 माइनस जे 6, ऊपर में कितना हो जाएगा 8 माइनस जे 6 प्लस 4 प्लस जे 3। सॉल्व करते हैं, रियल पार्ट को एक साथ जोड़ते हैं, 8 4 12 माइनस जे 3, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 32 प्लस माइनस माइनस 6 पोजे 24 प्लस जे 24 प्लस माइनस माइनस जे स्क्वायर, यानी प्लस हो जाएगा 6 3 जाए 18। तो सॉल्व करते हैं इसको, ऊपर में हो जाएगा 12 माइनस जे 3 डिवाइडेड बाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 50, यहाँ पे रियल पार्ट को एक साथ, यानी 12 बटा 50 माइनस इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, तो 12 बटा 50 है नहीं, इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, पहले 12 बटा 50 है 6 बटा 25, ठीक है, तो पॉइंट देंगे जीरो आ जाएगा, दो बार में चला जाएगा ये 50, तो 10 बचेगा, तो एक जीरो और देंगे, यानी 25 होगा 100 हो जाएगा, कितना आ गया ये आ गया 0.24 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट देंगे जीरो, अभी भी नहीं हुआ, एक और जीरो देंगे है ना, तो कितने बार में चला जाएगा ये 6 बार में चला जाएगा भाई, ये आ जाएगा। पेज को इंपोर्ट करते हैं हम लोग, देखिए ऑप्शन है डी फोर डॉग यूनिट महो हो जाएगा, आगे आते हैं भाई। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या करना है भाई, आपका कॉन्जुगेट लेना पड़ता है, जो भी आपका सोर्स इम्पीडेंस है वही मेरा लोड इम्पीडेंस होना चाहिए है ना, तो ये जस्ट कॉन्जुगेट लेंगे तो 9 माइनस जे 6 हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और ये सब कहाँ बताया गया है, ये सब भाई इसे पैरेलल चैप्टर में बताया गया, और इसमें आपका रेजोनेंस का भी एक क्वेश्चन पूछा गया क्वालिटी फैक्टर वाला, तो रेजोनेंस क्योंकि इसके बाद वाला चैप्टर आई थिंक, ठीक है, तो उसको पहले आप देख लीजिएगा फिर आइएगा, क्योंकि इसमें मिक्स किया भाई दो, जैसे यहाँ है ना 231, तो आप बोलिए क्वालिटी फैक्टर का अपने कॉन्सेप्ट बताया नहीं, भाई बता रखा ऑलरेडी, आपका चैप्टर नंबर देखिए बता दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर भाई आप 5th देख लीजिएगा, ठीक है, रेजोनेंस एंड मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, तो 5th नंबर को पहले कंप्लीट कीजिएगा, उसका फिर ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, वहाँ पर प्रूफ करवाएगा कहाँ से आता है। पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट अ प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट, करेक्ट खोजना है आपको। देखिए भाई पावर कंज्यूम्ड इज ऑलवेज नेगेटिव, नहीं भाई करंट वोल्ट आउट ऑफ फेज होता है, नहीं दोनों साथ में होता है, एक्सपेंस पावर इज द सेम एज डे, बिल्कुल सही बात है भाई, यही सही है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होता, जीरो किसका होता है प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव का, यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होता है यूनिटी के बराबर होता है, ठीक है, देख गलत है, सही है ये, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, अब हम लोगों को पता है प्योर स्टेम में भाई फाई का वैल्यू जीरो होता है, फाई का वैल्यू जीरो यानी कॉस जीरो, कॉस जीरो यानी वन, तो यही तो फॉर्मूला हम लोग डी सी में भी यूज़ करते थे, पावर इक्वल टू वी आई, समझे। आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी फैक्टर भाई क्या होता है आपका 1 बाय आर रूट ओवर एल अपॉन सी, वैल्यू सब पता है आर का एल का सी का, निकल जाएगा आपसे, ठीक है, टाइम पास नहीं करेंगे, आप सो सॉल्व कर लीजिए, आंसर बता दे रहा हूँ 231 का सी फोर कैट भाई,
आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ सीरीज एलसी सर्किट। ओके, एल और सी सीरीज में लगा हुआ है, इसके बारे में आपको बताना कौन सा सही नहीं है। तो नीचे से पढ़ते हैं, इट कंज्यूम नो एनर्जी, बिल्कुल सही बात है भाई, एक बार एनर्जी लेता है एक बार देता है, ये सही है। लेकिन हम लोग को ढूंढना है कौन सा सही नहीं है। टैंक सर्किट बोलते हैं, ये भी सही बात है। टैंक सर्किट दो तरीके का होता है, एक सीरीज में एक पैरेलल में, ठीक है। एलसी सर्किट और टैंक सर्किट भी बोलते हैं भाई, ये भी आपका रेजोनेंस में पढ़ाया गया है, रेजोनेंस में चैप्टर नंबर 5 देख लीजिए जाके। अगला है, इट कंज्यूम सम एनर्जी बिकॉज ऑफ नॉन, सीधी सी बात है भाई, आपका जो इंडक्टर होता है, फिर ये कैपेसिटर होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ लॉस होगा ना, इंडक्टर के चलते आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आता है भाई, वाइंडिंग के चलते, और कैपेसिटर के चलते इसके अंदर डायलेक्ट्रिक लॉस होता है, और वाइंडिंग के चलते भी, यानी यहाँ पे जो प्लेट है उस प्लेट का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो मेरा ये लॉस ही कैपेसिटर हो गया, ये मेरा मतलब आइडियल नहीं होता भाई कोई भी, तो ये भी सही है। तो बचा क्या, यानी तीन तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिया, बचा क्या सिर्फ, यानी ए ही मेरा क्या होगा सही आंसर होगा, यानी ए ही गलत है, है ना। तो ए क्यों गलत हो गई, क्योंकि भाई यहाँ पे लिखे डिफरेंस लिखा हुआ है, लेकिन डिफरेंस नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एल हो गया, सी हो गया, तो इनके पास जो वोल्टेज वी एल होगा, वी आर होगा, है ना, प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस। तो भाई यहाँ पे हमेशा क्या होता है, फेजर सम होता है, डिफरेंस नहीं होता, फेजर सम होता है। फेजर सम करेंगे उसी हिसाब से फिर यहाँ पे आपको टोटल वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस लगा दिया ना, इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज, नहीं भाई डिफरेंस नहीं होता कभी भी, फेजर सम होता है। आगे बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ द आरएमएस टू द एवरेज, भाई बार बार रिपीटेड किया गया है, इसको ध्यान रखना आपको, ये हो जाएगा आपका फॉर्म फैक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पावर फैक्टर, एंगल आपको बताना आरसी सर्किट के लिए, आर हो गया सी हो गया, तो भाई हम लोगों को पता है इस नेटवर्क का भाई आपका एक इम्पिडेंस होगा ना यार, इम्पिडेंस क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर, और ये रूट हो जाएगा, तो ये इम्पिडेंस हो गया, इसका मैग्नीट्यूड, इसका एंगल भी तो होगा, एंगल पूछा है, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्सी अपॉन आर, तो भाई एक्स इक्वल टू क्या होता है बताइए, एक्स इक्वल टू होता है 1 बाय ओमेगा सी अपॉन आर, तो आगे कुछ नहीं, 1 छुपा हुआ, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 इनवर्स, ये हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा, ये यानी 1 बाय आर इंटू ओमेगा सी, ये हो जाएगा इसका एंगल डी फोर डॉग। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, साइनसोइडल क्वांटिटी को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते भाई, तो दोनों हो जाएगा आइदर पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो भाई एंगल होगा कुछ, जैसे वी एंगल जीरो लिखते हैं, है ना, वी एंगल जीरो क्या पोलर फॉर्म में ही है, या फिर कहिए आई एंगल कुछ डिग्री दिखा 36.86 क्या है, ये पोलर फॉर्म में है। इसी को फिर हम लोग ऐसे भी तो लिखते थे भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आई इंटू कॉस 36.86 प्लस जे साइन 36.86, समझ में आया। तो ये दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस पर आते भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक 5 माइक्रोफ़ारड का कैपेसिटर है और एक वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है ना, यानी कैपेसिटर के जो भी वोल्टेज दिया हुआ है, देन द करंट थ्रू इट। तो इस तरीके का आप नेटवर्क इमेजिन कीजिए कि भाई ये मेरा नेटवर्क है, ये मेरा सी का वैल्यू है 5 माइक्रोफ़ारड, और यहाँ पे जो वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है 40 cos 6000 t। तो इसमें दो मेथड है भाई, दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड देखिए क्या है, हम लोग को पता भाई कि IC यानी कैपेसिटर करंट जो होगा, I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन XC, V अपॉन क्या हो जाएगा आपका, XC की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, XC इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय जे ओमेगा सी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 बाय जे ओमेगा सी। इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, जे इंटू वी और ओमेगा सी, क्लियर हुआ। तो ये हो गया भाई मेरा IC का वैल्यू, और क्योंकि ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में जो करंट है ये भी आपका इक्वेशन फॉर्मेट में है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, J को बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, J मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज में फेस शिफ्टिंग होता है बस ये, ठीक है। तो अभी मैग्नीट्यूड पे काम करते, तो वोल्टेज कितना भाई, वोल्टेज का इक्वेशन दिया आपका 40 cos 6000 t c, है ना, यहाँ पे ओमेगा सी का वैल्यू निकालते साइड में, ओमेगा सी वोल्ट का, ओमेगा का वैल्यू यहाँ से देखिए निकल जाएगा 6000 गुना सी का वैल्यू कितना है 5, और माइक्रो मतलब क्या 1000 गुना 1000, नीचे 1000 से 1000 कट जाएगा, और कितना 5 6 30 डिवाइडेड बाय 1000, है ना, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0.03 बाई, यानी ओमेगा सी का वैल्यू 0.03 है। तो 0.03 हम लोग आगे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई नहीं करना भाई, ये तो फंक्शन को बताता है, 0.03 इधर मेरा IC चल रहा है, इसको सॉल्व करते हैं
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा 12 और एक डिजिट वाला जीरो है नहीं, क्योंकि नीचे है ना जीरो एक बचा हुआ, तो ऊपर जाएगा तो एक डिजिट वाला जीरो लगाना पड़ेगा हम लोग को। अब आगे जे में भी था भाई, आगे जे था ना, तो जे को दिखाना इसका मतलब क्या, 90 डिग्री का फेस शिफ्ट यानी एंटी क्लॉक, तो पॉजिटिव यहाँ पे दिखाना पड़ेगा 6000 टी प्लस 90 करना पड़ेगा भाई। अगर माइनस जे होता तो माइनस 90 यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसको घुमा देते। क्लियर हुआ ना? तो ये हो गया भाई मेरा करंट आई सी का वैल्यू। तो वोल्टेज क्या है मेरा, वोल्टेज देखिए भाई, वोल्टेज मेरा ये भी कॉस में ही है और ये भी मेरा करंट भी मेरा कॉस में ही है। वोल्टेज को अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6000 टी प्लस जीरो डिग्री यानी रेफरेंस है, तो भाई उससे देखिए, क्योंकि प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क है ना, तो करंट मेरा 90 डिग्री लीड भी कर रहा है। क्लियर हुआ? 90 डिग्री लीड भी कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं अब, तो भाई ऑप्शन में देखिए कहीं पे भी प्लस 90 का तो जिक्र किया नहीं भाई, है ना, साइन में है कोसाइन में है। तो अब देखिए, क्योंकि भाई ये तो कॉस में ही ऑलरेडी, इसका मतलब क्या, अब इसको मेरे को साइन में लेके जाना पड़ेगा। अब साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझना आपको। एक लेक्चर दिया था भाई मैंने आपको टाइम शिफ्टिंग का। देखिए भाई, अब हम लोग थोड़ा सा वेवफॉर्म को थोड़ा सीखते हैं भाई, कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। वेवफॉर्म सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका जो VT है ये है आपका 40 cos 6000 T वोल्ट। आगे कुछ नहीं, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई VT क्या है, 40 cos, इसको ओमेगा बोलते हैं भाई, ठीक है ना, ओमेगा T प्लस जीरो डिग्री, यानी इसको मैं रेफरेंस मान के चल सकता हूँ, या फिर इसको ऐसे ना लिखे, आप ऐसे लिखिए। इसका 40 क्या है, Vmax है, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ भाई, cos ओमेगा टी प्लस जीरो डिग्री, ये मेरा वोल्टेज है भाई। और करंट क्या है आपका, जो करंट है ये क्या आ गया आपका, 1.2 कॉस, यहाँ पे आपका था 6000 टी प्लस 90 डिग्री, है ना, यानी करंट जो है भाई मेरा लीड कर रहा है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई एम कॉस, ये ओमेगा टी है प्लस 90 डिग्री, है ना, ये मेरा करंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया भाई। तो अभी हम लोग वेवफॉर्म ड्रॉ करना सीखते हैं। हम लोग वोल्टेज को क्योंकि रेफरेंस मान के चल रहे हैं भाई, दोनों कॉस में है, कॉस में। ऑप्शन में भाई, ऑप्शन में देखिए, हम लोग के पास ये तो फॉर्मेट दिया हुआ ही नहीं है, हम लोग को भाई क्या करना पड़ेगा इसको, क्योंकि कॉस में अगर होता भाई, कॉस में ही अगर आपका करंट का आंसर दिया रहता तो इसमें से कोई ना कोई मैच कर जाता, अब नहीं है। इसका मतलब क्या, कॉस को मेरे को साइन में एक तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं सीखने जा रहे हैं। तो हम लोग को पता भाई, यहाँ पे एक नोट में डाल लीजिएगा, साइन एंड यानी साइन और कॉस में भाई हमेशा 90 डिग्री का फेस शिफ्ट चलता है, ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है। जैसे अगर साइन जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो कॉस भाई 90 से स्टार्ट होता है। क्लियर हुआ? ऑलवेज साइन और कॉस में 90 डिग्री का फेस शिफ्ट चलता है। तो अभी देखिए, हम लोग सबसे पहले वोल्टेज को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई ये मान लेते मेरा वोल्टेज है, क्योंकि कोसाइन फंक्शन है तो हमेशा 90 डिग्री से स्टार्ट होगा भाई, इसको मैंने दिखा दिया। ओके, ये मेरा VT है। लेकिन भाई अब सोचने वाली बात है कि भाई करंट मेरा क्या है, करंट मेरा 90 डिग्री लीड कर रहा है, और लीड लैग क्या होता है, टाइम शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है भाई। टाइम शिफ्टिंग का मैंने आपको एक लेक्चर दिया था, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, है ना। तो प्लस 90 का मतलब क्या भाई, जब ये जीरो से स्टार्ट हुआ वोल्टेज, जब जीरो से स्टार्ट हुआ तो करंट 90 डिग्री पहले ही स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, पहले ही स्टार्ट हो गया, मतलब क्या पीछे से ही स्टार्ट हो रखा है। तो 90 डिग्री मतलब क्या, ये डिग्री भाई, यानी 90 डिग्री पहले से ही, तो इधर कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, जैसे मान लेते हैं इस तरीके से, या फिर इसको अलग अगर मैं दिखाऊं, करंट जो होगा भाई मेरा कब स्टार्ट हो गया होगा, यहीं से स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है, 90 से स्टार्ट हुआ है, उसी समय से ये स्टार्ट हो गया होगा। वेवफॉर्म तो बनेगा नहीं भाई उस तरीके सही से, लेकिन आप समझिए, ध्यान समझना आपको। है ना, ये कुछ इस तरीके का स्टार्ट हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग को इतना समझ में आया भाई कि अगर ये VT यहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये जीरो है ना, T इक्वल टू जीरो,
ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भाई कहीं इधर से स्टार्ट हुआ होगा, ये कुछ 90 डिग्री पहले से। तो ओरिजिन को आपको रेफरेंस लेके चलना भाई। तो इस वेवफॉर्म को मुझे क्या करना, साइन में एक तरीके से लिखना भाई, साइनसोइडल में लिखना। और हम लोग को ये पता है कि भाई साइन और कोसाइन में क्या होता है, ऑलवेज 90 डिग्री का फेस शिफ्ट चलता है। तो अभी देखिए, इसको अगर हम लोग देखिए, इसको मैं मिटाता हूँ, पहले इसी वाले वेव फॉर्म में रहता है, पहले ऊपर में साइन में लिखना है, कॉस से मेरे को साइन में कन्वर्ट करना भाई। तो मेरे को तो पता है ओरिजिन को रेफरेंस लेके चलना है हमेशा, ओरिजिन पे आपको सबसे ज़्यादा सोचना भाई। साइन में लिखना है, इसका मतलब साइन तो भाई मेरा हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, सही बात है, लेकिन हम लोग को पता है कि भाई वेव फॉर्म मेरा एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करंट वाला 90 डिग्री लीड कर रहा था। इसका मतलब क्या, अगर मुझे साइन का लिखना भाई, तो ओरिजिन पे साइन हमेशा जीरो होता है, ओरिजिन पे साइन हमेशा जीरो होता है। तो अगर ये वेव फॉर्म ऐसे यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो अगर इसका मुझे 90 डिग्री बैक देखना हो, पीछे साइड देखना हो, इसका पास्ट देखना हो, इसका मतलब क्या, ये आपका कुछ ऐसे आया हुआ होगा, समझ में आ रहा है बात को, ये कुछ ऐसे स्टार्ट होगा भाई, तभी तो यहाँ पे ओरिजिन में भाई जीरो होगा, तभी तो इसको साइन वेव बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए भाई कि जब मैंने इसको 90 डिग्री एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या आ रहा है बताइए, साइन का कुछ मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा ना, समझ में आया भाई, क्वाड्रेंट को आया तो पता होगा ना यार, इधर मेरा नेगेटिव है पूरा पूरा, ठीक है, ऊपर में पॉजिटिव होता है, इधर आप देखिए इधर मेरा पूरा पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस पे इधर पर नेगेटिव होता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने 90 डिग्री इसको अगर फर्दर एक्सटेंड किया इस तरीके से, क्योंकि वेफॉर्म मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है करंट वाला, तो भाई यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है। और हम लोग ये भी पता है, देखिए एक्चुअल में जो वेवफॉर्म स्टार्ट होगा, क्योंकि कोसाइन है, करंट मेरा कोसाइन है, वो ऐसे जाएगा भाई, ऐसे ऐसे होते हुए जाएगा कहीं, लेकिन भाई इसको साइन के टर्म में लिखना है, इसलिए हम लोग ये इतना तामझाम कर रहा है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो ये सेटिस्फाई करते हैं भाई, साइन और कॉस में 90 डिग्री का फेस शिफ्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है भाई, क्योंकि कॉस का जो है, कॉस का अगर आप दिखाएंगे तो कॉस का जो है कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा। वोल्टेज को भी हटा देते हैं यहाँ से, वोल्टेज हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, सिर्फ करंट पे फोकस कीजिए। करंट जो है भाई, ये जो करंट आया ये यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है। तो देखिए, तो ओरिजिन पे आके खुद कॉस बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, समझे। तो कोसाइन ऐसे स्टार्ट होगा, यानी एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन इसको साइन में लिखना। देखिए भाई, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, उस समय क्या है, करंट साइन का क्या है, 90 डिग्री लैग कर रहा है ना भाई। जब ये स्टार्ट हुआ है, या फिर यहीं से पकड़ सकते हैं ओरिजिन से, किसी भी इंस्टेंट पे देख सकते हैं भाई, इनके बीच में जो है ना 90 डिग्री का फेस शिफ्ट होगा। देख रहे ना, ये जीरो पे है तो 90 पे है, यहाँ पे देखिए माइनस में है, तो भाई यानी माइनस ये पीछे ही है भाई, और ये जीरो पहुँचा है। अभी जस्ट समझाए भाई, जीरो बड़ा होता है फिर माइनस बड़ा होता है, बताइए, जीरो बड़ा है भाई, ठीक है। आपके पास जीरो रुपये है, किसी के पास भाई माइनस 10 रुपये, ऐसा मतलब क्या, जीरो रुपये वाला ज़्यादा बड़ा आदमी है, क्योंकि भाई उसके पास कोई कर्ज नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस 1 पे है एक तरीके से, मैक्सिमम वैल्यू साइन का माइनस 1 होता है, और ये जीरो पे है, तो इनके बीच में 90 डिग्री फेस शिफ्ट चल रहा है यहाँ पे, जब ये मैक्सिमम है तो ये जीरो है, ठीक है। इसका नेगेटिव में है तो ये जीरो, ऐसा मतलब क्या, अगेन ये लीड कर रहा है, क्योंकि आगे बढ़ रहा भाई, ये जीरो है, ये आपका नेगेटिव में है। तो अब मेरा ये करंट का इक्वेशन ये बनेगा, यानी वेवफॉर्म ये बनेगा, ठीक है, समय मिटा रहा हूँ। करंट का इक्वेशन जो है, यानी वेवफॉर्म जो है भाई, ये बोला जाएगा ऐसे। अब मुझे इसका इक्वेशन लिखना है भाई, सबसे पहले इसको मैं क्या करूँ, ये तो वैसे वैसे रहेगा 1.2, कॉस को हम लोग साइन लिखेंगे, क्या हो जाएगा 6000t, क्योंकि ऑप्शन में तो प्लस माइनस था नहीं। अब देखिए इस इंस्टेंट पे क्या है, इसका वैल्यू माइनस में है, तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और माइनस लगा दिए, मतलब क्या है, माइनस लगाने मतलब क्या है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं भाई, माइनस लगाने मतलब होता है जे, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, मैग्नीट्यूड छोड़ दीजिए, माइनस लग गया, मतलब क्या, ये है 1.2 साइन, ये है आपका 6000, ठीक है। माइनस को दिखाएंगे तो यहाँ पे माइनस 90 दिखाना पड़ेगा आपको, समझे। तो ये ना कॉस ये 90 पे था, मतलब समझिए ना भाई, इस इंस्टेंट पे देखिए, इस इंस्टेंट पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, तो इस इंस्टेंट पे भाई ये क्या हो रहा है, एक तरीके से ये जीरो पे है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है ये, इसका इक्वेशन यहाँ पे इस हिसाब से देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस 90 पीछे लैग कर रहा है, तो इस तरीके से चेंज आना चाहिए। और माइनस 90 नहीं दिखा रहे तो भाई सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे फिर माइनस दिखाना पड़ेगा, माइनस 1.2 साइन इस तरीके से। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा भाई, और इतना नहीं करना आपको तामझाम, तो सीधे सीधे आप लगा लीजिए, IC इक्वल टू होता है आपका
सी डी वी अपॉन डी टी, यहाँ से आपका C का वैल्यू पता है 5 माइक्रो यानी 10^-6, और डी वी बाई डी टी यानी डी वी बाई डी टी 40 cos 6000 t, और उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं क्या हो जाएगा, 5 × 10^-6, और cos 40 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉस का माइनस हो जाएगा तो माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 6000 t, और फिर से 6000 t को dt के टर्म में वो करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से लिखना पड़ेगा आगे में 6000 एक और आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं, 1000 × 1000, 1 3 0 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6530 यानी -30 डिवाइडेड बाय, और ये कितना हो जाएगा आपका 40 और साइन 6000 t, तो 1 2 1 2 कितना हो जाएगा 34 12 और 1 -1.2, ये हो जाएगा साइन 6000 t, ठीक है। तो वही चीज़ आया भाई, तो मैनुअली करना पहले सीखिए, फिर फार्मूला तो भाई है ही लास्ट में, है ना। वेवफॉर्म समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई हम लोग के लिए, कि भाई कैसे हम लोग साइन को कोसाइन में और कॉस को कैसे हम लोग साइन में लेके जाते हैं।